तुम शेखर तुम्हें तो मालूम था संगीता किस रास्ते पर जा रही है, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? बता देता तो क्या हो जाता बाबू? माफ रोक सकता था। माफ कीजिएगा बाबूजी, अगर आप अनूप को छोड़ते तो संगीता को रोकते। क्या मतलब? कई बार मैंने और विशाल ने आपको समझाने की कई बार कोशिश की थी, मगर आप अनूप पर अंधविश्वास कर बैठे थे। मगर मैं अनूप छोटू की यही तो परेशानी है बाबूजी, सही बात कहें तो बदतमीजी समझी जाती है। भाभी भाभी माँ जी की तबीयत कैसी है? जैसी हादसों के बाद होती है। आरती कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और कुछ नहीं कह रही थी, कह रही थी संगीता और अनूप की बात छिपाने के लिए आप आरती को दोषी ठहरा रही हैं। ना ठहरा हूं दोषी, क्या तुम सभी उस साजिश में शामिल नहीं? संगीता को अगर आरती ने अपने पास रखा तो क्या कोई गलती की उसने? देखो मां, संगीता आरती के पास ही थी, किसी गैर के पास तो नहीं। गैर के पास होती तो गैर कहकर भूल जाती, पर वो अपनों के पास थी और अपने गैर हो गए। इसी बात का दर्द है मुझे। संगीता किस हालत में थी जरा पूछिए तो उससे, क्या उस हालत में वो इस घर में आने लायक थी? अगर हमने उसे संभाला मां तो कोई पाप नहीं किया। आप जरा संगीता से तो पूछिए। कैसे पूछूं? संगीता घर से भाग गई है। या? दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पांव छूने का दिखावा किया है तो आप कम से कम आशीर्वाद देने का ही दिखावा कर लेते। संगीता कहाँ है? आपके घर में होगी। मेरे घर में होती तो मैं इस घर में नहीं आता। कहाँ छुपाया उसे? मैंने उसकी गलती को छुपाया है, उसे नहीं। तो घर से भागने के लिए भड़काया होगा तुमने। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ मैं जो करनी चाहिए। ये मेरी बहू होने का अधिकार मुझसे मांगती रही, मैंने इसे बहू नहीं समझा तो ये मेरी बेटी को किसी की बहू बनने लायक नहीं रहना चाहती। भाऊजी, इसने चालाकी से काम लिया, संगीता को भड़काया ताकि वो घर से भाग जाए। संगीता ने गलती की थी, लेकिन ये अगर मेरे घर को अपनी ससुराल समझती तो ससुराल वालों को भी अपना समझती। अपना समझा है इसीलिए तो ये फर्ज निभाया है। ये फर्ज निभाया कि संगीता को घर छोड़ने का सबक सिखाया। भाऊजी, आप बिना सोचे समझे कुछ भी कहते चले जा रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए कि अगर आरती चाहती तो संगीता को बदनाम कर सकती थी। अरे दांत छुपाना गुनाह कैसे हो गया? इसका गुनाह यह है कि ये मुझे किसी न किसी तरह नीचा दिखाना चाहती है। आज मैं इस घर में इसके सामने खड़ा हूँ और अपनी जीत महसूस कर रही है। मैंने इसे नहीं बुलाया मगर इसकी चाल ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? अरे ये माँ बनने वाली है, कम से कम इसके खौफ में पलने वाले बच्चे के लिए तो नाटक मत कीजिए। नाटक की आदत उसे है, मुझे नहीं। विशाल से शादी करनी थी तो प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। मेरे घर की बहू बनने का हक चाहती है तो संगीता को घर से गायब करने का नाटक कर रही है। इससे कह दो मेरे घर में तखानदाजी करे वरना। बाबूजी, ने आपके घर के मामलों में इसलिए दखल दिया क्योंकि वो उस घर को अपना घर समझती है, लेकिन आपने इसे गैर बनाकर उस घर से बेदखल होने के लिए मजबूर कर दिया। बाबूजी, आप इसे एक बार बहू कहकर तो देखते हैं।
ये आपको बेटी बनकर दिखाती, ऐसी बेटी होती तो गला घोट के मार डालता मैं उसे। किसी के बेटे को जाल में उलझाने की चाल देख रहा हूं मैं, और देख रहा हूं कि कैसा रंग चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर। इसने तुम्हारी बहन को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसे तुम होना बहुत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि मैं तुम्हारा बाप ही नहीं होता। बाबूजी, इतनी बड़ी बात कह दी आपने, तो ठीक है, आज से मैं भी आपका बेटा कहलवाना पसंद नहीं करूंगा। बाबूजी, मैंने तो वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इसके कहने पर मैं वापस लौटा था। लेकिन आज के बाद मैं उस घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। दरार पड़े हुए आईने में टूटे हुए रिश्ते देखने से तो बेहतर होगा कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। तो समझो रिश्ता टूट गया। समझ में नहीं आ रहा है माजी को हो क्या गया है। बाबूजी तो आरती से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने सीमा की जगह ले ली, लेकिन माजी वो क्यों आरती पर इल्जाम लगा बैठी। हाँ, अब तो आरती और भी गलत हो गई। संगीता घर से गायब हो गई, उनका शक तो आरती पे ही जाएगा। अरे पागल है संगीता, सच का सामना भाग कर नहीं किया जाता। वो डर गई थी शेखर, बाबूजी को वो जानती है, किसी से खुश है तो खुश है, नाराज है तो सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। लेकिन अरुणा, संगीता गई कहां होगी? अनूप के पास? लेकिन शेखर, उसने अच्छा नहीं किया। संगीता की गलती को छुपाना हमारी पहली भूल समझकर माफ किया जा सकता है, लेकिन आरती को तो शायद। अच्छे लोगों का नसीब अक्सर इम्तिहान लेता है अरुणा। लेकिन ये वक्त आरती को साथ लेकर चलने का है शेखर, उसे अकेले छोड़ने का नहीं। हम बड़े हैं लेकिन हम इस खानदान को वारिस ही नहीं दे पाए। उम्मीद आरती से है, लेकिन उसे तो नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। भाग्य को बदलना बहुत मुश्किल है अरुणा, बहुत मुश्किल। रिजमोहन, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। घर की इज्जत घर से बाहर चली गई है। मैंने सोचा शायद संगीता तुम्हारे घर में आई होगी। मेरे पास आती तो मैं खबर जरूर करता। खबर कैसे करते ब्रिज? तुम्हें क्या पता चलता कि वो हमारी मर्जी से गई है, घर से भाग के गई है? तुम तो यही समझते कि बेटी घर में आई है, रहेगी और चली जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ब्रिज, मैं क्या करूं। लेकिन हेमंत, ऐसा घर में हुआ क्या था जो संगीता घर छोड़कर चली गई? गलत लोगों का साथ गलतियां ही करवाता है ब्रिज। आरती ने संगीता को बहकाया और वो बहक गई। आरती इतनी बुरी नहीं है हेमंत। बुराई को तोला नहीं जा सकता ब्रिज, एक छोटी सी बुराई सारी अच्छाइयों पर भारी होती है। अगर आरती ने घर को बर्बाद कर ही दिया। लेकिन मैं संगीता से ये पूछना चाहता हूं कि उसने मेरा विश्वास क्यों नहीं किया। उसे सबसे ज्यादा प्यार किया है और बिना मुझसे पूछे घर से चली गई। देखो, सवाल बाद में सोचना, पहले संगीता को ढूंढना है। कहां ढूंढूं ब्रिज? मैं आ रहा हूं हेमंत। जरूर अनूप के पास गई होगी, और अनूप कहां है इसका पता मुझे चल जाएगा, और इसीलिए वो वहां नहीं गई होगी। मतलब जिस जगह का पता चल सकता है वहां भागने वाले कभी नहीं जाते। हाँ, ये हो सकता है कि संगीता ने अनूप को कहीं और बुला लिया। लेकिन अनूप की जगह से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो कहां गया है। वो भी मुश्किल है विशाल, क्योंकि अगर संगीता ने अनूप को कहीं भी बुलाया होगा तो अनूप इतना चालाक है कि वो किसी को बताकर नहीं जाएगा। और यूं ही
हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और सोचते रहने से संगीता मिल तो नहीं जाएगी। तलाश तो करनी ही पड़ेगी। हेलो, क्यों, मैं विशाल बोल रहा हूं, कुछ पता चला? संगीता की सहेलियों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। प्लीज, कहने को तो इस घर में उसका भाई भी है, उसकी भाभी है, उसकी मां भी है, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं समझी कि उसके दोस्तों का पता रखे। किसी को यह पता था कि संगीता इस तरह घर छोड़कर चली जाएगी? अनूप जहां है वहां फोन लगाया किसी ने? वहां बेल जा रही है, कोई फोन नहीं उठा था। वैसे भी वहां कोई मिलेगा नहीं, पता नहीं वो अनूप किस तरह से पेश आए उसके साथ। कुछ नहीं कहा जा सकता, संगीता उस पर विश्वास करती है, मर्यादा छोड़ने का भी डर नहीं होगा उसे। मर्यादाएं आजकल के लड़के लड़कियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती ब्रिज, बंधन समझते हैं। वो तो ठीक है, मेरे ख्याल से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का मतलब है अपनी इज्जत अपने हाथों से तमाशा बना देना। पुलिस पर्दा डालती नहीं, पर्दा उठाती है ब्रिज। लेकिन बाबूजी, संगीता को ढूंढने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हालात खराब है हेमंत, जितनी देर होगी उतनी उम्मीद खत्म होती जाएगी। ब्रिज, मुझे उसके लौट कर आने की बात की फिक्र है, इसीलिए पुलिस में नहीं जाना चाहता। एक अफवाह उसके माथे का कलंक बन जाएगी। फिर तो चुपचाप घर में छुपकर बैठे रहो ना, वो आ गई तो ठीक, ना आई तो ठीक। अरे ऐसे चुपचाप कैसे बैठा जा सकता है अंकल? अरे तो फिर करना क्या है, जहां उसके मिलने की उम्मीद थी ढूंढ लिया, पुलिस में जाना नहीं है, पोस्टर छपवाने नहीं है, तो करोगे क्या? ये सब इन भाई भाभियों की वजह से हुआ है। आरती के नाम में पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं तो वो सब बता देगी। फिर तो मेरी, अरुणा की, विशाल की और मौसी की भी रिपोर्ट लिखाई है बाबूजी। उस रात हम भी तो संगीता के साथ थे। हेमंत, तुम्हें एक बहुत बड़ी खराबी है, किसी को गलत समझ लेते हो तो हर गलती का जिम्मेदार उसी को समझते हो। क्या संगीता खुद घर छोड़ के जाने का फैसला नहीं कर सकती थी? अरे भाई, अगर रिपोर्ट ही लिखवानी है पुलिस में तो संगीता के गुम होने की लिखवाओ या अनूप पे शक की लिखवाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं मजी, बहुत बददिमाग हो गई है लड़की। लेकिन बहू, ऐसी वैसी कोई बात हो गई हो तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, यूं डांट कर नहीं। ठीक है माँ, नहीं डांटूंगी, मेरा क्या है, अनूप घर भर के लिए मुसीबतें लाता है तो लाए। ठीक है माँ, आपको लगता है कि मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, ठीक है, मैं अनूप से नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। तू उसे मिलने जाएगी, लेकिन अपनी भाभी को लेकर। माँ, माँ मैं भी चलूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी? अपने कंप्यूटर क्लास अटेंड करना, आप मुझे रास्ते में छोड़ देना। बहुत रुचि ले रही है आजकल कंप्यूटर क्लास की, रुचि तो लेनी पड़ेगी माँ, मेरे इम्तिहान की घड़ी से नजदीक आ रही है। संगीता भाग गई। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बात को टाल जाती, अनजान बन जाती तो शायद मैं धोखे में रह जाता। हिमलता,
मैं अनूप को हमेशा अच्छा लड़का समझता रहता। संगीता अनूप से शादी करने की जिद करती और मैं सबकी बात टाल के उसकी शादी कर देता उसके साथ। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। पछता तो अब भी रहे हैं, अब भी डरे हैं कि वो तो शादी कर सकते हैं। अनूप ने मुझे सिखा दिया कि विश्वास जमा के विश्वासघात कैसे किया जाता है। संगीता वापस आ जाएगी तो उस अनूप को मैं हेलो हेमंत, संगीता को फोन देना। संगीता को क्यों, कॉलेज गई है क्या? हाँ कॉलेज ही गई है, कुछ काम था काकू जी। हाँ उसके लिए कुछ लाया था, वो उसे देना था। कब तक आ जाएगी? शाम तक ही आएगी काकू जी। शाम तक आ जाएगी ना? हाँ आ जाएगी। तो मैं आता हूँ। आप यहाँ आ रहे हैं? आओ? नहीं वो कभी कभी अपनी सहेलियों के पास ही रुक जाती। हाँ तो सहेली के वहां से बुलवाया जा सकता। अगर काकू जी वो हेमंत कोई परेशानी है? नहीं नहीं हेमंत तुम्हारी आवाज में बेचैनी है। काकू जी क्योंकि संगीता घर छोड़कर चली गई है। आपको कैसे पता चला?